नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लंबे समय तक चश्मा पहनने से अगर आपके नाक पर निशान पड़ गए हैं तो आप ये असरदार घरेलू उपाय अपनाएं, इससे आपके नाक पे पड़े निशान हट जाएंगे। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों के चश्मा लगा हुआ है। लंबे समय तक चश्मा लगाने से नाक पर निशान हो जाते हैं, क्योंकि चश्मा लगाने से नाक स्किन पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से स्किन पर निशान बन जाता है। चश्मा उतारते हैं तो नाक पर पड़ा निशान काफी खराब लगता है। ऐसे में आप घरेलू उपाय की मदद से नाक पर पड़े निशान को दूर कर सकते हैं, इससे आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा। तो आइए जानते हैं नाक पर पड़े निशान को हटाने के घरेलू उपाय। पहला है आलू का रस। दोस्तों, आलू का रस चेहरे पर ब्लीच की तरह काम करता है। चेहरे के दाग धब्बे कम करने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आलू के रस का इस्तेमाल करके आप चश्मे के निशान को हटा सकते हैं। आलू का रस इस्तेमाल करने के लिए आलू को धोकर कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। इसके बाद इस रस को निशान वाली जगह पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरा धो लें, कुछ समय बाद आपका निशान हल्का हो जाएगा। दूसरा है शहद। ग्लोइंग और चमकदार स्किन के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता है। नाक पर पड़े निशान को हटाने के लिए भी शहद काफी मददगार है। शहद को नाक पर निशान वाली जगह पर लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें। एक हफ्ते तक लगातार इसे करें, इससे आपके चेहरे के निशान कम हो जाएंगे। तीसरा है एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके आप नाक पर पड़े निशान को कम कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को नाक पर पड़े निशान पर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। कुछ दिनों बाद आपके निशान हल्के हो जाएंगे। चौथा है टमाटर। दोस्तों, टमाटर भी ब्लीच की तरह काम करता है। ऐसे में नाक पर पड़े निशान को हटाने के लिए आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की एक स्लाइस काटकर नाक पर रगड़ें। 5 मिनट बाद चेहरा धो लें। कुछ दिनों तक इसे लगातार करें, इससे आपके चेहरे के निशान कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।